नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनिंदर और आप हैं मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे। मैं सभी का स्वागत करती हूं और सभी का खैर मकदम करती हूं। और एक सवाल आपसे जानना चाहती हूं कि जो तीसरी लहर है, जिस पे तमाम रिसर्च हो रही हैं, तमाम साइंटिस्ट लोग उस पे काम कर रहे हैं कि किस तरीके से इससे बचा जाए, क्या क्या तैयारियाँ हों वगैरह वगैरह, लेकिन क्या इस तीसरी लहर को, कोविड की तीसरी लहर को लाने की जिम्मेदारी हम लोग लेने वाले हैं अपने कंधों पे? चलिए, कोई भी इसका जवाब हाँ में नहीं देगा, लेकिन असल बात यह है कि जो तीसरी लहर है वो हमारे सैर सपाटे के कारण ही आने वाली है। देश में कभी भी तीसरी लहर जो है दस्तक दे सकती है, क्योंकि पहाड़ों में, खासतौर पे हिमाचल में, पिछले 13 दिन में जो एक्टिव केस हैं वो दोगुने हो गए हैं। और आप, दिलचस्प बात ये है कि इसके बावजूद टूरिस्ट स्पॉट पे भीड़ भाड़ जारी है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित कई टूरिस्ट स्टेट में काफ़ी बड़ी तादाद में ट्रेवलर जो है पहुंच रहे हैं। कोरोना नियमों में ढील मिलने के बाद इस साल जुलाई तक हिमाचल में करीब 5 लाख टूरिस्ट देश भर से पहुंचे हैं और समर सीजन में टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आते हैं। और अगर होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की बात पर गौर किया जाए तो हर साल होटल्स की बुकिंग जो है 20 से 30% ही रहती है, लेकिन इस साल ये रिकॉर्ड टूट गया है। ये बुकिंग इस साल 70 से 100% तक रही। देश भर में हिमाचल घूमने पहुंचे ट्रेवल का असर अब यहाँ दिखना शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 13 दिनों में एक्टिव केस जो हैं दोगुने हो गए हैं। 28 जुलाई को यहाँ 953 एक्टिव केस थे, यानी कि 953 केस थे, जो 9 अगस्त को बढ़ करके 2086 हो गए। यहाँ तक संक्रमण के 2 लाख से ज़्यादा मामले आ चुके हैं अब तक यहाँ, और 3500 से ज़्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। 13 दिन में एक्टिव केस दोगुने होने पे राज्य के मंत्री जयराम ठाकुर भी काफ़ी चिंतित हैं। उन्होंने हिमाचल में संक्रमण के बढ़ते मामलों पे काफ़ी चिंता जताई और इस मसले पे कैबिनेट बैठक में चर्चा भी की है। और जो उस बैठक का लबल जवाब था वो ये था कि हमें नहीं पता कि आने वाले दिनों में क्या स्थिति होने वाली है, क्या सिचुएशन होने वाली है, क्या कोविड की तीसरी लहर का इम्पैक्ट आने वाला है। और मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जुलाई को पूर्वोत्तर के राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी। इसमें असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड के मुख्यमंत्री शामिल थे। इस दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तीसरी लहर पर काफ़ी चिंता जताई थी और उन्होंने ये कहा था कि हिल स्टेशंस मार्केट में बिना मास्क और प्रोटोकॉल को नज़रअंदाज कर भारी भीड़ का उमड़ना ठीक नहीं है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ लोग सीना तान के बोलते हैं कि तीसरी लहर आने से पहले इंजॉय कर लेना चाहिए, तो लोगों को समझना होगा कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी, यानी कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आने वाली, तीसरी लहर को हम खुद ही लेके आएंगे। तो ये थी कोरोना से जुड़ी हुई खबर। दोस्तों, मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।